नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई इज स्टार पॉइंट नॉट शॉर्ट सर्किट। दोस्तों, जैसे कि आपका मोटर होता है या फिर ट्रांसफार्मर होता है, तो अगर मोटर में दोस्तों दो प्रकार के कनेक्शन किए जाते हैं, कि स्टार में एक डेल्टा में। दोस्तों ये आपका स्टार में हो गया, ये मैंने एक ले लिया स्टार का और ये हो गया डेल्टा का, ठीक है। ये स्टार और ये डेल्टा। दोस्तों स्टार में क्या होता है कि ये तीनों पॉइंट आपस में स्टार्ट कर देंगे और यहाँ पर थ्री फेस दे देंगे। डेल्टा में दोस्तों क्या होता है कि ये तीनों हो जाएगा और फिर इसको ऐसे शॉर्ट कर देंगे। लेकिन दोस्तों जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है, तो ट्रांसफार्मर के इनपुट और आउटपुट में जो बाइंडिंग होती है वो स्टार और डेल्टा में होती है। दोस्तों ये ट्रांसफार्मर का ये स्टार पॉइंट हो गया और ये डेल्टा हो गया। दोस्तों ये मान लीजिए आर है, ये वाई है और ये बी है। अब तीनों फेस यहाँ पर आके मिल रहे हैं, तो ये हमको न्यूट्रल मिल जा रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि स्टार पॉइंट शॉर्ट सर्किट क्यों नहीं होता है। दोस्तों अगर हमने मोटर में तीनों फेस को आपस में स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर जो वोल्टेज बनेगा ये न्यूट्रल आएगा, यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर ट्रांसफार्मर में देखें, तो ट्रांसफार्मर तीनों आर वाई फेस अगर एक जगह जंक्शन पॉइंट पर शॉर्ट हो जाता है, तो यहाँ पर 0 वोल्ट होता है, यहाँ पर हमको न्यूट्रल मिल जाता है। अगर यहाँ पर भी मोटर में भी अगर हम तीनों फेस आपस में आप शॉर्ट कर देंगे और फिर सप्लाई देंगे, तो यहाँ पर भी हमको न्यूट्रल मिलेगा, यहाँ पर वोल्टेज कोई भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, ना वोल्टेज में ना करंट में। तो दोस्तों ऐसा क्यों होता है आज की वीडियो में यही समझेंगे। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में लास्ट तक। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों जैसा कि आप एक एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, सपोज मान लीजिए किसी बल्ब को हमको ग्लो कराना है, ठीक है। तो ये हो गया फेस और ये हो गया न्यूट्रल, ये फेस और ये न्यूट्रल। अब दोस्तों अगर हम इस वायर को, दोनों वायर को अगर आपस में ऐसे टच कर देंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम इसी बीच में दोस्तों, अगर हम इसी के बीच में एक हम बल्ब अगर जोड़ देंगे, दोस्तों मान लीजिए कि ये एक बल्ब हो गया, यहाँ पर हमने एक बल्ब जोड़ दिया और यहाँ पर फेस और न्यूट्रल हमने दे दिया यहाँ पर, तो किसी भी प्रकार का शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। दोस्तों इसका क्या रीजन होता है, यही सेम रीजन आपको यहाँ पर भी होगा, इसके पीछे का रीजन आपको यहाँ पर भी, सेम कंडीशन आपको तीनों जगह आपको फॉलो होता है, चाहे मोटर में ले लीजिए, चाहे आपका ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में स्टार वाले में, या फिर आप बल्ब में ले लीजिए। दोस्तों इसका कारण क्या होता है कि जो ये बल्ब है या फिर जो ये बाइंडिंग है या फिर ये इस मोटर की बाइंडिंग है, सपोज मान लीजिए कि यहाँ एक ये बाइंडिंग हो गया, एक ये बाइंडिंग हो गया, एक ये बाइंडिंग हो गया। अब तीनों को अगर हमने इसको शॉर्ट कर दिया, तो ये हो गया स्टार पॉइंट स्टार। अब दोस्तों आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने आर वाई और बी दे दिया है। अब देखिए ये जो आर और वाई बी जा रहा है, ये इस कॉइल के थ्रू होके जा रहा है, ठीक है। ये तीनों फेस इस कॉइल के थ्रू होके जा रहे हैं, फिर यहाँ पर इसका जो पोटेंशियल है, जो जंक्शन पॉइंट का वोल्टेज है, वो 0 हो जा रहा है, ठीक है, 0 वोल्ट हो जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पर शॉर्ट सर्किट नहीं होता है, क्योंकि इस जो कॉइल है इसका भी अपना एक खुद का रेजिस्टेंस है। इसी प्रकार से ये आपका मोटर में होता है, इसी प्रकार से होता है, जो ये आपका थ्री फेस आप शॉर्ट कर दे रहे हैं, तो ये कॉइल के घूम करके दोस्तों ये जो आर वाई बी फेस जा रहा है, वो इसके थ्रू होते हुए फिर यहाँ पर पहुँच रहा है। तो ये इसके थ्रू होते के पहुँचने में जो इसका रेजिस्टेंस बीच में इसका लागू हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर भी ट्रांसफार्मर में भी ये ऐसे ही होता है, ठीक है। या फिर दोस्तों यहाँ पर हमको 4 3 वायर 4 वायर आपको मिलता है, मतलब कि तीन तो आपके फेस मिल जाएंगे, एक चौथा आपको न्यूट्रल मिल जाएगा स्टार पॉइंट में। तो दोस्तों यहाँ पर भी देख लीजिए, ये तीनों जो फेस आपस में मिल रहे हैं, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस लागू हो रहा है, ठीक है। अब अगर ये रेजिस्टेंस लागू होगा, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जहाँ पर रेजिस्टेंस होगा वहाँ पर करंट या फिर वोल्टेज आपका दोनों ड्रॉप हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर पोटेंशियल जो होता है इसका, पोटेंशियल डिफरेंस, वो 0 वोल्ट हो जाता है। यही सेम दोस्तों कंडीशन इसमें भी होती है, अगर हम यही फेस और न्यूट्रल को यहाँ पर बल्ब ना लगाएं और दोनों फेस को आपस में शॉर्ट कर देंगे, तो इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में किसी भी प्रकार का रेजिस्टेंस नहीं है। अगर हमको ये वायर दोनों को टच करना है, तो बीच में हमको किसी भी वैल्यू का रेजिस्टेंस लगा देंगे अगर, तो इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, किसी भी कंडीशन में शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। क्योंकि शॉर्ट सर्किट जो होता है, वो जब दो वायर आपस में भिड़ते हैं तभी शॉर्ट सर्किट होता है। अगर हम बीच में रेजिस्टेंस लगा देंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। वहाँ पर क्या होगा कि जब दोनों फेस इसके सीरीज में होकर के आकर निकलेंगे, तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। और हमेशा जो वोल्टेज शॉर्ट सर्किट होता है वो वोल्टेज से होता है, ठीक है।
तो दोस्तों ये भाई अगर वोल्टेज यहाँ पर करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट ज़्यादा होगा तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, जिससे शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। इसी प्रकार दोस्तों इसमें भी होता है, जो इसका अंदर का फिलामेंट होता है, जो टंगस्टन का वायर होता है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। इसी प्रकार से ये जो मोटर है, ये आपका मोटर हो गया, या फिर ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग हो गई, स्टार बाइंडिंग, यहाँ पर भी जो बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये कॉइल लगी हुई है, ये ठीक है, तो इसका एक रेजिस्टेंस है जिसके कारण इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। दोस्तों अगर मोटर मान लीजिए आप, मोटर में जो तीन कॉन्ट्रेक्टर होते हैं, मेन और स्टार और ये डेल्टा, दोस्तों स्टार वाले को हम आपस में से शॉर्ट कर देते हैं, तो उसमें होता है क्या दोस्तों, ये तीन तार तो डायरेक्ट मोटर में चले गए और ये इसमें ऐसे आ करके ये हो जाता है, यहाँ पर तीनों शॉर्ट कर देते हैं। तो चाहे हम मोटर में शॉर्ट करें या फिर हम यहाँ पर शॉर्ट करें, तो दोस्तों मोटर में शॉर्ट कर नहीं सकते क्योंकि वो स्टार डेल्टा स्टार्टर है, वहाँ पे हमको दोनों बनाने, स्टार और डेल्टा दोनों बनाने, तो इसीलिए डेल्टा वाले में ना शॉर्ट करके स्टार में यहीं पर शॉर्ट कर देंगे, तो दोस्तों ये शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। तो दोस्तों आपको जानकारी कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दीजिएगा, और अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे शेयर जरूर करिएगा। नमस्कार।